हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। और आज हम बात करेंगे केमिकल सेक्टर से एक स्टॉक के बारे में और जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और उसको देखते हुए स्टॉक का क्या टारगेट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी का नाम है इंडिया ग्लाइकॉल्स, और इंडिया ग्लाइकॉल्स की अगर बात करें, एक बेहतरीन कंपनी, और सबसे बड़ी बात है कुछ इसके जो प्रोडक्ट हैं वो तो अगर इंडिया लेवल पे अगर बात की जाए तो बहुत ही कम कंपनी है जो इस तरीके के जो है प्रोडक्ट इंडिया के अंदर जो है बना रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया ग्लाइकॉल की अगर बात करें तो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ये ग्लाइकॉल्स, इथोक्सिलेट्स एंड पैग परफॉर्मेंस केमिकल्स, ग्लाइकॉल ईथर्स एंड एसीटेट, नेचुरल गम्स एंड पोर्टेबल एल्कोहल जो कंपनी जो है ये मैन्युफैक्चर करती है। दूसरी बात, कंटिन्यू एम्फेसिस एंड सुपीरियर क्वालिटी है कंपनी के पास में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है इनके पास वर्ल्ड वाइड, और जिस तरीके से जो है एक अपने ये फील्ड में जो है पायनियर है इंडिया ग्लाइकॉल। अब बात करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस की। पहले तो कंपनी की परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे, ये फाइनेंशियल हाइलाइट्स मैंने आपके सामने रखे हैं क्वार्टरली। तो यहाँ पे अगर बात करें रेवेन्यू के लिहाज से, प्रीवियस ईयर के अगर क्वार्टर से मिलाएंगे, जंप देखने को मिल रही है, ग्रोथ देखने को मिल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी में भी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है हर तरीके से। और इविटा एंड मार्जिन की बात करें तो प्रीवियस वाले से जबरदस्त ग्रोथ है, थोड़ा सा डाउनफॉल है प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से। एंड ईपीएस में भी बात करें तो जबरदस्त ग्रोथ है। बिजनेस हाइलाइट्स की अगर बात करें तो जॉइंट वेंचर जो इनका जो क्लेरियंट केमिकल के साथ में जो हुआ है, बायो बेस्ड इथोक्सिलेट्स कंक्लूड सक्सेसफुली, वो हो चुका है, और टोटल कंसिडरेशन जो है 652 करोड़ का है, और कंपनी को जो है रिसीव हो गए 451 करोड़ विद प्रॉफिट 240 करोड़। और यूनिलीवर अनाउंस किया है इनके साथ में पार्टनरशिप विद लेंजा टेक एंड इंडिया ग्लाइकॉल्स टू प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट मेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल कार्बन एमिशन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो जो इनोवेटिव शिफ्ट यूटिलाइज बायो टेक्नोलॉजी एंड न्यूली कॉन्फिगर्ड सप्लाई चेन। साथ के साथ लुलुलेमन अनाउंस किया है कोलैबोरेशन विद इंडिया ग्लाइकॉल एंड लेंजा टेक के साथ फॉर कार्बन स्मार्ट अपेरल्स के लिए, एंड इन्होंने लॉन्च किया है प्रीमियम ब्रांड IMFL में अमेजिंग वोडका के नाम से। इनपुट कॉस्ट एस्केलेशन की बात करें, एथेनॉल एंड पेट्रो बेस्ड मैग प्राइसेस रिमेन स्टेबल रहे हैं डेस्पाइट इंक्रीज इन क्रूड प्राइस, सबसे बड़ी बात ये भी ठीक है। कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट है न्यू प्रोजेक्ट पे ड्यूरिंग दिस क्वार्टर, एंड जिसमें ग्रेन डिस्टिलरी इन काशीपुर एंड गोरखपुर, एंड एवर हाईएस्ट सप्लाई है 19 लाख केसेस इन जून 2021, मेंटेन्ड इन्होंने फर्स्ट पोजीशन रखी है यूपी के अंदर, मार्केट शेयर देखेंगे तो 29% का है। सक्सेसफुली लॉन्च इन्होंने UPML यूपी मेड लिकर, सेजमेंट जो है टेट्रा पैक ऑफ दबंग गोल्ड वो भी इन्होंने लॉन्च कर दिया है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो है देखने को मिली है सेल्स में निकोटिन, बिनपोसिटिन, कॉल्सिसिन, ल्यूटीन, DHA, कर्क्यूमिन एंड सेंटेला ओवर द सेम क्वार्टर 2021 इन नेचर बायो फार्मा। अब बात करते हैं सेजमेंट वाइज इनकी जो है नेट रेवेन्यू कैसा रहा है। अगर आप परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल्स में जो है बढ़ती हुई दिखी है। बात करते हैं यहाँ पे इथाई इंडस्ट्रियल केमिकल्स की, तो इंडस्ट्रियल केमिकल्स में जो है परफॉर्मेंस आप देखेंगे बढ़ती हुई दिखी है, और परफॉर्मेंस थोड़ा जो वेटेज की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे इथाइल एल्कोहल में तो क्वार्टर वन में जो है एक यहाँ पे भी देख सकते हैं वहां पे भी जो है बढ़ती हुई दिखी है। तो हर तरीके से जो है परफॉर्मेंस बढ़ती हुई दिखी है। उसकी बात को लेके ही आप देखेंगे तो जो रेवेन्यू इनका जो क्वार्टर वन में था, आप देखेंगे रेवेन्यू बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से जो है इनका बढ़ता हुआ दिखा है। सेजमेंट परफॉर्मेंस एंड कुछ की रेशियोज में आपके सामने रखूं यहाँ पे, तो हर तरीके से जो है इनकी एक परफॉर्मेंस क्वार्टर क्वार्टर, हालांकि थोड़ा डाउनफॉल जरूर देखने को मिला है कुछ एरिया में, जैसे कि इंडस्ट्रियल केमिकल्स में देखेंगे तो आप जहां पे नेट वैल्यू एंड रिविडता में देखेंगे तो वहां पे डाउनफॉल देखने को मिला है, लेकिन आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो गजब की परफॉर्मेंस है। इथाइल एल्कोहल में क्वार्टर क्वार्टर भी रेवेन्यू अच्छा खासा रहा है एंड ईयर ऑन ईयर भी, एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स में ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर क्वार्टर ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा एक डाउनफॉल जरूर देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बढ़िया तरीके से जो है इनकी परफॉर्मेंस रही है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो की अगर बात करें तो डेप्ट देखेंगे तो मार्च 2021 के अंदर थी 0.76, जून के अंदर जो है रह गई 0.36, तो धीरे धीरे ये डेप्ट को भी जो है कम कर रहे हैं, तो कंपनी को उससे भी काफी अच्छा खासा फायदा जो है देखने को मिलेगा। इंडिया ग्लाइकॉल की अगर बात करें तो डायवर्सिफाई पोर्टफोलियो है कंपनी के पास में, जिसमें बायो स्पेशलाइज्ड
प्रोडक्ट हैं, बायो वेस्ट स्पेशलिस्टीज प्रोडक्ट हैं, बायोपॉलीमर्स हैं, प्लांट बेस्ड एपीआई या न्यूट्रेसिटिकल्स भी जो है बनाती है, पोर्टेबल स्प्रेड्स, गैस, बायोफ्यूल्स, कार्बन स्मार्ट रेंज, तो पूरा एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है एंड ग्लोबल कस्टमर बेस एंड पार्टनरशिप है रेप्यूटेड ग्लोबल कंपनीज के साथ में। सबसे बड़ी बात कि लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं बायो ईओ वेस्ट इथाइलीन ऑक्साइड एंड इट्स डेरिवेटिव्स के जो है मैन्युफैक्चरर है। फर्स्ट कंपनी है वर्ल्ड के अंदर जो यूज कर रही है इनोवेटिव ग्रीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर करने के लिए बायो बेस्ड इथाइलीन ऑक्साइड एंड डेरिवेटिव्स, ग्लाइकोल्स, ग्लाइकोल ईथर्स एंड स्पेशलिटीज, वन ऑफ टू इन द वर्ल्ड कंपनी करेंटली। तो कुछ ही कंपनियों में ये जो है दर्ज है, कुछ ही कंपनी है और उनमें ये जो है दर्ज है। और एक लीडिंग कंपनी है ग्रीन टेक्नोलॉजी बेस्ड इंग्रेडिएंट बनाने की कैटेगरी, जिसमें देखेंगे तो बायो वेस्ट टू न्यू कार्बन स्मार्ट रेंज, और इनके पास में 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो है मौजूद है। सस्टेनेबल बायो वेस्ड इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो ग्रीन टेक्नोलॉजी, जिसमें इनका बिजनेस डिवीजन जो है बायो वेस्ट केमिकल एंड स्पेशलिटीज एंड पोर्टेबल स्पिरिट्स, तो 2 तरीके से इनके जो है, और इन नेचर बायो फार्मा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये इनके पास में जो है इनके बिजनेस डिविजन्स हैं एंड जॉइंट वेंचर्स जो है इनका रिन्यूएबल ईओ डेरिवेटिव्स के लिए क्लेरियंट आईजीएल स्पेशलिटी केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, जहां से जो है इनकी और परफॉर्मेंस जो है आगे निखर के आती हुई दिखेगी। पोर्टफोलियो की बात करें जो मैंने आपके सामने रखा है इनका, सस्टेनेबल बायो वेस्ट इंग्रेडिएंट बेस्ड ऑन ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है मौजूद है, जिसमें एफएमसीजी जो है न्यू एरिया इनके लिए मिल जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस सैनिटाइजर बिजनेस जो है एंड बायो वेस्ट स्पेशलिटीज ऑलरेडी है ही है, पोर्टेबल स्प्रिट्स जो ऑलरेडी जिस पे ये वर्क कर ही रहे हैं, बायोफ्यूल्स जो भी बढ़िया काम करेगा इनके लिए एंड जो ग्रीन जॉइंट वेंचर जो है इनका वो भी बढ़िया काम करेगा आगे, न्यूट्रास्यूटिकल्स है, बायो फर्टिलाइजर्स है जो न्यू एरिया है इनके लिए, तो बिल्ड कर रहे हैं ये सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म, एक्सपेंड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को और बायो बेस्ड प्रोडक्ट पे ज्यादा से ज्यादा जो है ये फोकस कर रहे हैं। हिस्ट्री की अगर बात करें कंपनी की, तो इन्होंने मेजर माइलस्टोन्स जो है अपने स्थापित किए हैं 2021 के अंदर, ये जो क्लेरियंट के साथ में इनका जो जॉइंट वेंचर है वो अच्छा खासा काम करेगा, न्यू ब्रांड्स ये लेके आए 2021 के अंदर न्यू आईएमएफएल के अंदर एंड बायो वेस्ट केमिकल एंड स्पेशलिटीज ओनली मैन्युफैक्चरर हैं ग्लोबली के अंदर, जैसा मैंने आपके सामने रखा, और बढ़िया काम कर रहे हैं। पोर्टफोलियो की बात करेंगे तो 250 प्लस परफॉर्मेंस केमिकल्स जो है इनके पास मौजूद है एंड पोर्टेबल स्प्रिट्स पे भी जो है कंपनी अच्छा खासा काम जो है कर रही है एंड साथ के साथ इन नेचर बायोफार्मा न्यूट्रिसिटिकल्स पे भी जो है, और सबसे बड़ी बात है ऑपरेट कर रही है स्पेस न्यूट्रिसिटिकल्स, फाइटोकेमिकल्स एंड हेल्थ सप्लीमेंट इंग्रेडिएंट्स को, और वन ऑफ द लीडर है कॉम्प्लेक्स फाइटोकेमिकल्स केमिस्ट्री इन इंडिया के अंदर, सबसे बड़ी बात ये है। तो और कंपनी जिसपे और अभी जो है न्यू एपीआई जो है लॉन्च करने वाली आने वाले टाइम में, वो भी कंपनी के लिए जो है काफी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जो है जनरेट करते हुए दिखेंगे। तो आप देखेंगे तो मेनली जो फोकस, जो सबसे बढ़िया जो फोकस है वो है न्यूट्रेसिटिकल्स पे एंड इथाइल एल्कोहल पोर्टेबल पे एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स पे, बढ़िया तरीके से फोकस है, कैटर कर रहे हैं डाइवर्स एंड मार्केट्स को। तो सबसे बड़ी बात है ग्लाइकोल जो है यूज होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पॉलिस्टर यान, फाइबर, फिल्म, रेजिन एंड ऑटोमोबाइल कूलेंट के लिए। बायोग्लाइकोल जो है कैटर करते हैं ये किसके लिए, बेवरेज एंड फूड इंडस्ट्री की पैकेजिंग के लिए, जहां पे पेट बोतल एंड पॉलिस्टर फिल्म बनाने के लिए यूज होता है। थायल ब्यूटाइल ग्लाइकोल ईथर एसिटेट, इसका जो यूज होता है टेक्सटाइल, ऑयल एंड गैस, पेंट एंड कोटिंग, ऑटोमोटिव ब्रेक फ्लूइड, फार्मा एंड इलेक्ट्रॉनिक केमिकल। परफॉर्मेंस केमिकल जो है ऑटोमोटिव सेक्टर में जो है यूज होता है ब्रेक फ्लूइड एंड एंटी फ्रीज कूलेंट एंड कुछ अदर एरियाज में भी होता है, टेक्सटाइल, एग्रोकेमिकल, पेंट, ऑयल गैस, पर्सनल केयर, डिटर्जेंट, पेपर माइनिंग। पावर एल्कोहल जो है यूज होता है ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए ब्लेंडिंग इन पेट्रोल एंड साथ के साथ ENA एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल हाई प्रायोरिटी एथेनॉल, जिसका यूज होता है बेवरेजेस, परफ्यूमरी, फार्मा, पर्सनल हाइजीन, इंडस्ट्रियल गैसेस जो ये कंपनी जो बना रही है जिनका ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, मेटल फैब्रिकेशन एंड प्रोडक्शन, स्टील, पेट्रोलियम, रिकवरी एंड रिफाइनिंग एंड पल्प एंड पेपर, वेस्ट ट्रीटमेंट, ट्रैक्ट्रॉनिक, लाइटिंग, कंस्ट्रक्शन, फूड एंड इंडस्ट्री। लिक्विड CO2 का जो है यूज होता है फूड इंडस्ट्री में, और जिसमें आपके सामने यहाँ पे लिखाई हुआ है ETO का जो यूज होता है वो होता है स्टरलाइजेशन
of disposable medical devices and other sterilization uses. Food quality natural gum bhi jo hai bana rahi hai, jiska frozen food and ice cream, bakeries, beverage and sauces mein use hota hai. Industrial quality natural gum jo hai, jiska use hota hai personal care, mining, paper, construction, paint, textile and oil and gas applications. यहाँ पे अगर बात करी जाए तो कंपनी करीब करीब आप देखेंगे तो 8 से 10 इंडस्ट्रीज के लिए जो है अपने प्रोडक्ट जो है डिजाइन करती है, अपने प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है. और सारी की सारी जितनी भी इंडस्ट्री जो मैंने आपके सामने रखी जिनके लिए जो है अपने प्रोडक्ट जो है डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है, सारी की सारी ग्रोइंग फील्ड है, मोस्टली ग्रोइंग फील्ड है. तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, इन्होंने जो एंटर जो हुए हैं ये जॉइंट वेंचर में क्लेरियंट के साथ में, ये इनके लिए जो एक अच्छा खासा काम और बढ़िया काम करते हुए दिखेंगे, तो वो भी इनके लिए जो है एक बढ़िया जो है इनको एक एक एडवांटेज जो है मिलती हुई दिखेगी इनको, और बढ़िया जो है काम करते हुए दिखेंगे ये दोनों के दोनों. और साथ ही साथ अगर बात करें तो जॉइंट वेंचर जो ये जो आया है वन ऑफ द लीडर इन बायो बेस्ड थायलोक्साइड एंड डेरिवेटिव्स में, तो ये जो है इसके एक तो बाय कंबाइनिंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी जो जॉइंट वेंचर एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिकम अ लीडिंग सप्लायर रिन्यूएबल मटेरियल्स टू अ रैपिड ग्रोइंग कंज्यूमर केयर मार्केट इन इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री. प्रोडक्शन फैसिलिटी से जो है टू सप्लाई टू लोकल एंड ग्लोबल मार्केट, तो वो भी इनके लिए जो है काफी अच्छा खासा फायदा मिलेगा. और जॉइंट वेंचर जो है विल हैव एक्सक्लूसिव राइट्स टू डिस्ट्रीब्यूट क्लेरियंट एंटायर रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल कंज्यूमर स्पेशलिटीज बिजनेस इन इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल. तो ये वैल्यू जनरेटिंग कॉम्बिनेशन है विद क्लेरियंट के साथ में. और जो प्रमोटर्स ने जो पार्टनरशिप जो चेयरमैन ने जो बोला है उसमें कि ये पार्टनरशिप जो है जो इनलाइन जो हुई है इंडिया ग्लाइकोल की क्लेरियंट के साथ में, तो ये प्रमोट करेगी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को, सस्टेनेबल ग्रीन केमिस्ट्री जो डोमेस्टिक मार्केट में, एंड एक्सपेंड करेगी इनके फुटप्रिंट ग्लोबल मार्केट में. तो एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ये जो है बनेंगे ग्रीन इथाइल ऑक्सैलेट इन इंडिया के अंदर और इन द वर्ल्ड. और सबसे बड़ी बात है विच इज बेस्ड ऑन अ यूनिक एंड ग्रीन प्रोडक्शन प्रोसेस है यूजिंग बायो इथेनॉल. तो ये जो है कंटिन्यू लेवरेज करेगी, इनकी स्ट्रेंथ जो है बढ़तर जो है बढ़ती हुई दिखेगी, डेवलप करते हुए दिखेंगे कॉम्प्लेक्स एंड सस्टेनेबल केमिस्ट्री. बहुत ही बेहतरीन बढ़िया काम जो है. ऑपरेशंस देखेंगे तो काशीपुर, नोएडा, देहरादून, गोरखपुर में है इनके. लेवरेजिंग सिनर्जीज टू क्रिएट वैल्यू इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चर फॉर बायो बेस्ड प्रोडक्ट. ये आपके सामने मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज भी हैं इनके पास में मौजूद, एंड R&D तो बहुत ही अच्छी खासी जो है कंपनी ये करती रहती है. मार्केट लेड इनोवेशंस जो है प्रोडक्ट प्रोसेस एंड एप्लीकेशंस टेक्नोलॉजी जो है मौजूद है. ग्रोथ ड्राइवर क्या है? ग्रोथ ड्राइवर आगे जिस तरीके से जो इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं, पर्सनल केयर, ऑटोमोटिव, पैकेजिंग, बेवरेज, ऑयल एंड गैस, होम केयर, फार्मा, न्यूट्रास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, मोस्ट एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट नियर डबल डिजिट और मोर. तो ये जो है इनकी डिमांड बढ़ेगी, इनके प्रोडक्ट की डिमांड आएगी, इंक्रीज कर रहे हैं कंज्यूमर अवेयरनेस एंड डिमांड आ रही है सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स में. तो ये क्या है कि इसके लिए एक अच्छा खासा काम करते हुए दिखेंगे ये ग्रोथ ड्राइवर्स जो हैं. और ग्रोथ जो आएगी बायो ईओडी जॉइंट वेंचर जो मेजर कंट्रीब्यूटर होगा, एंड अपॉर्चुनिटी मिलेगी इनको नोवल स्पेशलिटी बेस्ड ऑन ग्रीन टेक्नोलॉजी में. 5 ईयर फाइनेंशियल ट्रेजेक्ट्री देखेंगे तो अच्छी खासी देखने को मिली है. एंड यहाँ पे अगर 5 ईयर के जो की रेशियोज देखेंगे तो वहां पे भी जो है कंपनी एक डेप्थ को धीरे 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 जो है कम करती हुई दिख रही है. सस्टेनेबिलिटी है और आगे भी जो है कंपनी एक सस्टेनेबिलिटी दिखाती हुई नजर आएगी. बिजनेस स्ट्रक्चर्स बढ़िया है कंपनी के. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है एक नामी ग्रामी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं कंपनी के पास में. एक्सपीरियंस्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं इंडिया ग्लाइकोल, और इंडिया ग्लाइकोल नाम से ही जानी जाती है. टेक्नोलॉजी यूज करती है कंपनी, और टेक्नोलॉजी यूज करके जो है उन्होंने अपने प्लांट्स को जो है कैपेबल बनाया है. हाईली जो है टेक्निकल जो है टेक्नोलॉजी प्रूफ इनके जो है प्लांट्स मौजूद हैं. बढ़िया काम. फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो कंपनी फर्दर जो है एक बेहतरीन मूव जो है करती हुई दिखेगी. बढ़िया परफॉर्मेंस इसकी जो है मुझे लगता है आने वाले टाइम में आती हुई दिखेगी ग्रीन जो इनका जो प्रोजेक्ट है उससे. तो ग्रीन जो सेगमेंट इनका जो बनेगा आगे बायो फ्यूल का, वो बहुत ही अच्छा खासा इनके लिए जो है काम करता हुआ आने वाले टाइम में दिखेगा. तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें. बात करते हैं स्टॉक के चार्ट पैटर्न की. तो यहाँ पे मैं आपके सामने चार्ट पैटर्न इसका रख दिया है. देखेंगे स्टॉक ने एक अच्छी रैली दिखाई, उसके बाद में काफी टाइम तक जो है कंसोलिडेशन देखने को मिला, फिर इसने एक अच्छी खासी रैली दिखाई,
और फिर उसके बाद में फिर से डाउनफॉल। लेकिन ये वाला जो एरिया अब ये जो निकला है ऊपर, ये अपने लाइफ टाइम हाई के जो आसपास अब ये पहुंच गया है, यहां से मुझे लगता है कि इसमें फर्दर और आपको जो है अपसाइड आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 38.2% के रेजिस्टेंस के ऊपर जो है स्टॉक इस समय पे सपोर्ट ले रहा है, सस्टेन कर रहा है, ट्रेंड इसका बढ़िया चल रहा है और इस समय पे बुलिश ट्रेंड में है। 575 रुपीस का आपको जस्ट एक स्टॉप लॉस लगा के चलना है लॉन्ग टर्म के लिए, 575, और आपको जो है इसमें सिप करनी चाहिए। सिप के थ्रू आप इस स्टॉक को जो है पकड़े रहे हैं। यहां से मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आप इसमें एक अच्छी खासी ग्रोथ जो है देखने को आपको मिलेगी और ये स्टॉक आपको 1100-1200 रुपए की रेंज में आपको आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इनके ये जो प्रोडक्ट जो है जो मैंने आपके सामने जो रखे हैं, ये प्रोडक्ट इनको जो है आगे एक जान डालते हुए दिखेंगे और क्लेरियंट के साथ में जो है इनका जो जॉइंट वेंचर है वो कंपनी के अंदर जो है आने वाले टाइम में एक जान डालते हुए दिखेंगे। तो बायो बेस्ड इनकी जो स्पेशलिटी है वो बढ़िया भरती हुई आपको दिखेगी और वैसे भी इनके प्रोडक्ट जो है बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ से 1100-1200 रुपए का टारगेट है 1 से 1.5 साल के अंदर अगर आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। तो अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म की। तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपके सामने रखूं तो यहाँ पे मैं आपके सामने इसका वीकली चार्ट पैटर्न आपके सामने मैं रखता हूं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक काफी टाइम से जो है एक ही जगह पे जो है कंसोलिडेशन कर रहा है काफी हफ्तों से, लेकिन आप देखेंगे ये वाली कैंडल को ये ढक नहीं पाया है, आधी कैंडल में ही बस ये कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये वाला एरिया लेंगे, यहां से देख सकते हैं स्टॉक ने एक चाल दिखाई है, एक फर्दर जो है मूव दिखाया है, इस वाली एरिया को हम जो है लेके चल सकते हैं बेस, और यहां तक जो है स्टॉक अभी गया है। यहाँ पे बात करेंगे तो 38.2% की रेजिस्टेंस के ऊपर ही है अभी भी स्टॉक जो है, और यहाँ पे अगर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है तो बहुत ही एक नियर बाई एक स्टॉप लॉस लगेगा, वो लगेगा करीब 672 का, 672 रुपए का एक स्टॉप लॉस है, करीब 20 रुपए नीचे स्टॉप लॉस है। आप इस स्टॉक को यहां भी परचेस कर सकते हैं क्योंकि यहां पे काफी कंसोलिडेशन इसमें ऑलरेडी देखने को मिल गया है। मुझे नहीं लगता कि यहां से ये ज्यादा डाउनफॉल आपको दिखाने वाला है, यहां से मूव इसमें और ऊपर का आने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा लग रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप इस स्टॉक को करीब यहाँ पे अगर आसपास अगर लेते हैं 600-700 रुपए के आसपास अगर आप लेते हैं आने वाले टाइम में, ये स्टॉक आपको बहुत जल्दी ही 800 रुपए तक जो है आपको टारगेट दिखाता हुआ नजर आ सकता है। मतलब इस वाले जो कंसोलिडेशन की एरिया को निकाल के 800 रुपए तक ये स्टॉक जो है जाता हुआ आपको दिखेगा, 795-800 रुपए तक आने वाले 1.5 से 2 महीने के अंदर। बढ़िया। और मैं आपके सामने जो है इसके कुछ और फंडामेंटल्स जो है रखता हूं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 110 की ईपीएस है, 10 की फेस वैल्यू और उसके बाद में स्मॉल कैप कंपनी, 0.87 की डिविडेंड यील्ड, 110 की ईपीएस, बेहतरीन कंपनी, बढ़िया परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है। डिविडेंड देखेंगे तो रेगुलर डिविडेंड जो है पे कर रही है, डिविडेंड इन्होंने बढ़ाया है धीरे धीरे करके। बोनस की बात करें तो बोनस हालांकि कंपनी ने नहीं दिया, रेवेन्यू देखें, रेवेन्यू के लिहाज से आप देखेंगे तो पिछले 4 साल और ये वाली साल देख सकते हैं गजब की गई है। प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से भी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है। डेप्ट की बात करें तो धीरे धीरे कंपनी जो है अपनी डेप्ट पे भी फोकस कर रही है, डेप्ट को भी धीरे धीरे कम कर रही है। रेवेन्यू की बात करेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर, दिसंबर मार्च जून बहुत ही अच्छे खासे गए हैं कंपनी के। प्रॉफिटेबिलिटी में देखेंगे तो बढ़िया एक तरफा जो है प्रॉफिटेबिलिटी जो है देखने को मिल रही है, प्रॉफिट बहुत ही गजब का जो है आता हुआ दिख रहा है। ईपीएस भी जो है इसकी बढ़ती हुई दिख रही है। FIITI के पास में हालांकि होल्डिंग बहुत ही कम है, यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने अपनी प्लेज होल्डिंग जो है बिल्कुल जीरो कर दी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और दूसरी बात यह है 61.1% की होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास में, तो प्रमोटर्स के पास में एक जबरदस्त होल्डिंग जो है मौजूद है इसकी। एंड साथ के साथ अगर बात करें आरओई की तो 12 के करीब की आरओई है, 0.85 की डेप्ट टू इक्विटी है, तो डेप्ट धीरे धीरे जो है कंपनी उस पर फोकस कर रही है, डेप्ट को धीरे धीरे कम कर रही है। बढ़िया कंपनी है, आगे फ्यूचर फोकस्ड प्रोडक्ट जो है कंपनी के आने वाले हैं जिससे कंपनी में आप देखेंगे कि अच्छी खासा आपको रुझान जो है देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा और अगर आपको इस स्टॉक से रिलेटेड अगर कोई और भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।